चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर लालू नीतीश के महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य दलों के साथ गठबंधन करने पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही दी गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ झा ने आज पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। झा ने कहा कि आरजेडी में उनके और उनके समर्थकों की हो रही लगातार उपेक्षा के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि झा समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। वैश्विक संघर्ष को टालने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के मुद्दे पर वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल पर दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। विश्व के जाने माने हिंदू और बौद्ध जानकार इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का मकसद वैश्विक संघर्ष को कम करने के साथ साथ बदलते पर्यावरणीय प्रभावों के असर को कम करना है। सम्मेलन में श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा समेत जापान, म्यांमार, भूटान और नेपाल के तमाम नेता और विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं। वैश्विक हिंदू बौद्ध सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया और उनके संदेशों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई ऐसे अराजक तत्वों ने जगह बना ली है जो निर्दोषों पर हिंसा बरपा रहे हैं। श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा ने कहा कि कट्टरता और विवाद की चुनौतियों पर अब विराम लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवादों का हल सैन्य कार्रवाइयों के बजाय बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में कल रात से जारी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ समाप्त हो गई। मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन साथ ही 1 जवान भी शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रफियाबाद में पकड़े गए आतंकी सज्जाद अहमद को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मसले को सुनने के लिए 10 सितंबर की अगली तारीख तय की है। असम के कोकराझार में सेना और असम पुलिस ने संयुक्त अभियान में NDFBS के एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी दिसंबर 2014 के आदिवासी हिंसा में शामिल था। कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने इस मामले में मनमोहन सिंह को भी आरोपी बनाए जाने की बात कही है। मधु कोड़ा ने कहा कि जिंदल ग्रुप को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को सारी जानकारी थी। इस मामले में कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुनिया में ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में इंजीनियरिंग इंडिया प्रमोशन काउंसिल की हीरक जयंती के अवसर पर उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। लगातार हो रही बारिश के चलते असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। बाढ़ से लगभग 9.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित, सेना और NDRF और दूसरी एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स अदा करने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी है। इससे पहले टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। सरकार द्वारा तारीख बढ़ाने की वजह देश भर में कुछ ई सेवाओं की गति धीमी पड़ने से कई करदाता समय पर रिटर्न नहीं भर पाए थे। इस शिकायत को देखते हुए CBDT ने अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज घोषणा की है कि 23 लाख सैनिकों वाली विश्व की सबसे बड़ी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में से 3 लाख सैनिक कम किए जाएंगे। शी ने ये घोषणा दूसरे विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ हासिल की गई जीत की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित परेड में संबोधन के दौरान की। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बैंकॉक में कल 91 किलो भार वर्ग में सतीश ने ताजिकिस्तान के सीओवुश जुखुरोव को हराया।
सतीश के अलावा एल देवेंद्र सिंह, शिव थापा और विकास कृष्ण पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के